बहुत अमेजिंग है यार। जय जय श्री राम। Hey guys, good morning and welcome back to my new vlog. I hope आप सब अच्छे होंगे। So guys, आज का vlog है पूरे दिन का घूमी घूमी करने का, और कोमल का बर्थडे आ रहा है तो उसका कहाँ सेलिब्रेशन करना है तो उसका लोकेशन देखने जाने वाले मैं और किशन। तो आज हम लोग ने टोटली फुल डे हम लोग ने छुट्टी लिया है, और कोमल को बोला है कि मेरे को कुछ काम है, किशन को कुछ काम है, इसलिए हम लोग आज छुट्टी ले रहे हैं। बट आज हम लोग जाने वाले हैं उनका प्लेस देखने जहाँ पे उनका बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है। तो आज पूरा दिन हम लोग मूवी देखेंगे, घूमी घूमी करेंगे और फिर कोमल का प्लेस देखने जाएंगे। तो चलो। सो गाइस, ये है हमारा फेवरेट इडली डोसा सेंटर जहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा इडली डोसा खाते रहते हैं हमेशा। लुकिंग स्मार्ट। इसको एक रेडबुल के बिना जमता नहीं है। रेडबुल ना सही, मॉन्स्टर लेके आ गया। सुपर एक्साइटेड फॉर मूवी, जितना सुना था और एक्साइटमेंट बढ़ चुकी थी। अभी फिलहाल थिएटर खाली था, बट जैसे ही मूवी स्टार्ट हुआ सारी सीट फुल थी। चीन ली गई और जो लोग उसको लेके गए ना वो बहुत डेंजरस लोग हैं। आई डोंट नो क्या करेंगे उससे सर, प्लीज। इस्तेमाल करने से हो सकता है कि खरीद सकता हूं। किशन, द केरला स्टोरी मूवी कैसी लग रही है? बहुत अमेजिंग है यार। गाइस, अभी इंटरवल हुआ है, इंटरवल तक ही इतना एंगेजिंग मूवी है, और ऊपर से टू इंसिडेंट पे बेस्ड, और स्पेशली ये गर्ल्स के लिए। गर्ल्स प्लीज भी देखो, बहुत अमेजिंग मूवी है। और इससे एक बात पता चलता है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो जरूर ये मूवी देखो यार, बहुत अमेजिंग मूवी है। और जय श्री राम। जय श्री राम। सजेस्ट मत बताना, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। और वैसे भी ये जाप में जब तुम्हारे घर। गाइस, मूवी तो खत्म हो गया था बट मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी। मुझे इतना रोना आ रहा था, मतलब सोच सोच के कि जिसके साथ हुआ रहेगा उसकी क्या हालत हुई होगी। Hey guys, तो कविता के ब्लॉग में स्वागत है आप सबका। तो हम अभी KFC में एक बहुत ही अमेजिंग मूवी देख कर आ रहे हैं जिसका नाम है द केरला स्टोरी, जो कि ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो बहुत अमेजिंग मूवी है यार, मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मुझे तो गूज़बम्स आ गए यार देखते देखते, और लास्ट में इमोशनल भी हो गया थोड़ा। बिकॉज जो विक्टम है, जिनके साथ ऐसा हुआ है, मतलब जो भी जो तीन गर्ल्स के बारे में स्टोरी दिखाई गई है, जो कि जिनके साथ ऐसा हुआ है, मतलब उनको क्या बीती होगी यार, यही सोच के। और गाइस, स्पेशली फॉर गर्ल्स, प्लीज़ जाओ ये मूवी देखो यार, मस्ट वॉच मूवी है। मतलब इतनी अमेजिंग मूवी आप लोग ने नहीं देखी होगी। और जो ये वाली अलग ही यार, और जिनके साथ ऐसा हुआ है ना, लास्ट में उनका पूरा एविडेंस के साथ दिखाया गया है विद प्रूफ कि ये हुआ था। और आई नो इस समय थोड़ा सा ये बातें चल रही कि पहले तो 32,000 बताया था फिर तीन क्यों। मेरा कहने का मतलब 32,000 हो या तीन, गलत है। तो तीन के साथ भी गलत हुआ है तो वो गलत ही है। तो गाइस, स्पेशली गर्ल्स, प्लीज़ जाओ ये मूवी देखो, मस्ट वॉच मूवी है, बहुत अमेजिंग मूवी है। कविता तो इमोशनल हो गई थी। अभी भी मेरे को रोना ही आ रहा है कि लाइक वो गर्ल्स के ऊपर क्या बीती होगी। सच में गर्ल्स, आप लोग को ये मूवी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम गर्ल्स ना बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। तो ये मूवी देखना ज़रूरी है कि गर्ल्स लोग को किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। खुद के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि कोई अपने को बोलता है वैसा करना चाहिए। तो गर्ल्स, प्लीज़ ये मूवी देखो। लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि ट्रुथ, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो गाइस, अभी हम लोग थोड़े टाइम में पहुंचने वाले हैं जहाँ पे लोकेशन देखने गए हैं। और ये बीच का व्यू, वाव, शाम को इतना सुंदर लगता है, बहुत मस्त लग रहा था यार। Hey guys, तो मैंने आपको बताया था कोमल के बर्थडे के लिए हम लोग लोकेशन देखने आए हैं। तो ये फर्स्ट वाला मुझे और किशन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बेसिकली उन्होंने फोटोज़ दिखाए कि डेकोरेशन कैसा चाहिए कैसा नहीं, तो हम लोग ने उस तरह से शॉर्टलिस्ट किया है, अभी फाइनलाइज कर सकते हैं। तो लेट्स सी अनदर। देखो रिसॉर्ट है अंदर। हाँ, ये हो सकता है। क्या बात कर रहे हो, ये राशि तीज कैफे। सो गाइस, ये है हमारा सेकंड लोकेशन जहाँ पे हम लोग कोमल का बर्थडे सेलिब्रेट का देख रहे हैं प्लेस।
वाओ सनसेट हो रहा है। तो गाइस हम लोग ने सेकेंड लोकेशन ये देखा, एग्जैक्टली बीच के टच में ही सेटअप रहेगा पूरा बर्थडे सेलिब्रेशन का। बट हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि एक तो धूल मिट्टी भी उड़ेगा, ऊपर से टाइम लिमिट भी बहुत कम है, तो हम लोग इसको ऑप्शन में रखेंगे और इससे पहले जो देखा था उसको फाइनल करेंगे, है ना। और एक दो प्लेस पे हमने देखा है, वहाँ पे जाएंगे। ठीक है चलो तो चलते नेक्स्ट। अभी हम जा रहे हैं थर्ड वाले प्लेस देखने, अगर पसंद नहीं आया तो हम लोग वही फाइनल करने इससे वाले। पहले हमने दो प्लेस वहाँ पे भी देखा, वो प्लेस का नाम मैं अभी नहीं बर्थडे वाले दिन बताऊंगा क्योंकि ब्लॉग तो पहले आएगा। हाय गाइस, मैं आपको बोला था कि नेक्स्ट लोकेशन पे जाने वाले हैं, तो बीच के कनेक्टेड और एक हमें लोकेशन मिला है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा लोकेशन है वो। तो ये आप देख सकते हो द गुड वाइब्स कैफे, ये भी एक लोकेशन है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका सेटअप कैसा है, अंदर भी देखते हैं। तो चलो अच्छा लग रहा है, एकदम बीच से कनेक्टेड है। बट थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है कि हवे में धूल मिट्टी फिर ये रेत पूरा सा आएगा खाने पीने में, तो मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है। देखते हैं पर किशन को कैसा लगता है। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो, हाँ क्या बोल रहे हो, आराम से देखो। पता नहीं बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है बट उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे, अभी इतनी हालत है देखो। ओ मेरे साजन साजन साजन, ओ मेरे साजन तेरा दिल भी कितना पागल है के प्यार तो तुमसे करता है। तमल्लीबा भला है आलई जहम एक यल की हुआ, तमल्लीबा तमल्लीरा जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। है खुशी आज हम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।